डब्ल्यूई ने अपना एक नया पेपर व्यू लॉन्च किया और उस पेपर व्यू का नाम है डेवन। अब नया पेपर व्यू और उस पेपर व्यू में रोमन रेस अपने टाइटल को डिफेंस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वी द वन में रोमन रेस किसके अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। और रोमन रेस जिसके भी अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे, क्या वो रोमन रेस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएगा या फिर रोमन रेस उसे भी हरा के अपने अनडिफीटेड स्ट्रिक को कंटिन्यू करेंगे। रोमन रेस का नया ओपोनेंट कौन है और उसके और रोमन रेस के बीच में अब क्या होगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि रोमन रेस का नया ओपोनेंट कौन है। सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेस ने बिगी को हरा दिया और रोमन रेस ने ये प्रूव कर दिया कि वो बेटर चैंपियन है। वैसे बिगी ने भी रोमन रेस को हराने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रोमन रेस को हरा नहीं पाए। अब ये देखना है कि रोमन रेस का नया ओपोनेंट कौन है जो कि रोमन रेस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है। अभी तो सिर्फ दो ही ऐसे डब्ल्यूई सुपरस्टार है जो कि रोमन रेस को यूनिवर्सल टाइटल के मैच में चैलेंज करेंगे। पहले तो है डू मैकिंटायर और दूसरे हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉकलेसनर। ब्रॉकलेसनर का सस्पेंशन खत्म हो गया और ब्रॉकलेसनर ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो 10 दिसंबर के स्मैकडाउन में आ रहे हैं। लेकिन ब्रॉकलेसनर के आने से पहले डू मैकिंटायर रोमन रेस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे और वी द वन पेपर व्यू में रोमन रेस वर्सेस डू मैकिंटायर का मैच होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि वी द वन पेपर व्यू देगा 1 जनवरी 2022 को। अब वी द वन में रोमन रेस और डू मैकिंटायर का ही क्यों मैच होगा, ब्रॉकलेसनर और रोमन रेस का क्यों नहीं होगा, इसके रीजन मैं आपको बताता हूं। ये न्यूज काफी बार आ चुकी है कि ब्रॉकलेसनर और रोमन रेस का मैच होगा रॉयल रंबल 2022 में और रॉयल रंबल 2022 में ही ब्रॉकलेसनर के यूनिवर्सल चैंपियन बनने के चांसेस है। लेकिन दोस्तों ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वी द वन में डू मैकिंटायर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए और उसके बाद डू मैकिंटायर और ब्रॉकलेसनर का मैच हो रॉयल रंबल 2022 में। वैसे भी मैं आपको याद दिला देता हूं कि डू मैकिंटायर वही सुपरस्टार है जिन्होंने ब्रॉकलेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से हटाया था और ब्रॉकलेसनर को हरा के डू मैकिंटायर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए। डू मैकिंटायर और ब्रॉकलेसनर का भी हिसाब अधूरा है, तो ये भी हो सकता है कि रॉयल रंबल में ब्रॉकलेसनर वर्सेस डू मैकिंटायर का मैच हो और डू मैकिंटायर से अपना बदला लेते हुए ब्रॉकलेसनर डू मैकिंटायर को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा चांस तो ये है कि वी द वन पेपर व्यू में रोमन रेस डू मैकिंटायर को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे और उसके बाद रॉयल रंबल 2022 में होगा रोमन रेस वर्सेस ब्रॉकलेसनर का मैच। और रॉयल रंबल 2022 में ये भी चांसेस है कि पॉल हीमन रोमन रेस को धोखा दे देंगे और पॉल हीमन साथ देंगे ब्रॉकलेसनर का और उसके बाद ब्रॉकलेसनर रोमन रेस को हरा के बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। देखिए दोस्तों उम्मीद तो ये है कि रॉयल रंबल 2022 का रिजल्ट यही होगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि रॉयल रंबल 2022 में ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए डू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेस वर्सेस ब्रॉकलेसनर। ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस मैच में ये भी देखना काफी अच्छा होगा कि ब्रॉकलेसनर कैसे दोनों को हराते हैं, क्योंकि रॉयल रंबल 2022 में ब्रॉकलेसनर की यूनिवर्सल चैंपियन बनने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वी द वन में कौन जीतेगा, रोमन रेस या डू मैकिंटायर, और रॉयल रंबल में रोमन रेस वर्सेस ब्रॉकलेसनर का सिंगल्स मैच होगा या रोमन रेस वर्सेस ब्रॉकलेसनर वर्सेस डू मैकिंटायर का ट्रिपल थ्रेट मैच। कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।